अस्सलामु अलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेसिक ऑफ इस्लाम का सबक, ठीक है। तो हमारी नमाज चल रही थी, हमने तशहुद तक पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है तशहुद से आगे दुरूद शरीफ, ठीक है। नमाज में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ आता है, तो आज हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ की हदीस में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई शख्स नमाज वाला दुरूद शरीफ, इसको बोलते हैं बड़ा दुरूद शरीफ भी कहते हैं, तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो वो उसके गमों के लिए काफ़ी है। दुनिया आखरत में बहुत से गम इंसान को होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हो जाएगा अगर कोई इसको ज़्यादा मिकदार में पढ़ता है, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको पढ़ा करेंगे, ठीक है। नमाज में तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपने वैसे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ओके। तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के लिए इतना काफ़ी है ताकि आप अच्छा सा लर्न कर सकें, ठीक है। ये दुरूद शरीफ के भी दो हिस्से हैं, तो ये एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, इसको अच्छा सा लर्न कीजिएगा, ओके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।